Hello everyone, I hope everybody is fine here. So I am Som Daya. Once again I'm here with a new video. So I welcome you on the Rural Fight YouTube channel. So जी दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल द रूरल फाइट पर स्वागत है. सो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेशल 40 सेंटेंसेज जो सिर्फ आपके लिए हैं. सो इन सेंटेंसेज को आप चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इन छोटे छोटे बच्चों के पास ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उनके एजुकेशन का बिल्कुल लॉस नहीं होना चाहिए. तो उनके लिए मैं स्पेशल ये सीरीज़ शुरू कर रखी है. यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स को निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं. आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद पर्टिकुलर एक एक दिन के वीडियो को देख सकते हैं. तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं. हमने पढ़ा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस वन, अभी हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस टू पढ़ लेते हैं. प्रैक्टिस वन में हमने बिल्कुल इजी सेंटेंसेस लिए थे, इसके अंदर मैं नेक्स्ट लेवल की बात करूँगा. तो नेक्स्ट लेवल में कुछ सेंटेंसेज हैं, हम 30 to 40 सेंटेंसेज आज सीखेंगे. तो उसका फर्स्ट सेंटेंस है, अपने कोट के बटन बंद करो. तो बटन बंद करने के लिए हम यूज़ करेंगे बटन अप योर कोट. बाएं चलिए, कीप टू द लेफ्ट. अपनी आदतें सुधारो. आदतें सुधारने के लिए हम मैंड यूज़ करते हैं, मैंड योर वेज. ठीक है, मैंड योर वेज. एक वर्ड होता है मैंड और एक होता है माइंड. मैंड मीन्स होता है सुधारना और माइंड होता है किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना या ध्यान देना. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस है बैठे रहिए. कई बार हम किसी स्टेज पे जाते हैं या फिर किसी क्लास में एंटर करते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं या ऑडियंस बैठी है, तो हम उनको कहते हैं बैठे रहिए. तो उसको कह सकते हैं कीप सिटिंग. कीप सिटिंग. या फिर एक वर्ड और होता है बी सीटेड. बी सीटेड का मीन्स भी यही होता है कि बैठे रहिए. सो मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग. थोड़ा सब्र करो, ये तो हर घर में यूज किया जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं हैव पेशेंस. हैव पेशेंस. नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देख लेते हैं. ये सर्दियों में यूज़ होने वाला सेंटेंस है, ज़्यादातर हम इसको सर्दियों में यूज़ करते हैं. जैसे आग जलती रहने दो. आग जलती रहने दो को हम बोलेंगे कीप द फायर गोइंग. अपनी नाक साफ़ करो. ब्लो योर नोज. ब्लो योर नोज. समय का सदुपयोग करो, ये सबसे अच्छी सलाह मानी जाती है आज के दिन. तो मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ़ योर टाइम. मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम. अपना काम करो. अपना काम करो. देखो, दो तरीके होते हैं अपना काम करो को कहने के. एक तो हम बेसिकली जनरली कहते हैं कि तुम अपना काम कर लो. ठीक है, डू योर वर्क. एक कई बार हम किसी को डांटते हुए कहते हैं तुम जाओ यार, तुम अपना काम करो. ठीक है, मुझे ज़्यादा सलाह देने की ज़रूरत नहीं है. उस सेंस में हम कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस. माइंड योर ओन बिजनेस. ठीक है, तो वो आगे हम देखेंगे, आगे भी आएगा आपको. और अभी आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं. लेट्स हैव ए लुक एट द नेक्स्ट. सो नेक्स्ट सेंटेंस है सिर बचाकर. कई बार आप कहीं गुफा में या फिर कहीं ऐसे रास्ते से जाते हो जहाँ पर सिर टकराने का खतरा हो, तो उस तरह से आप कह सकते हो माइंड योर हेड. तो मैंने बताया था माइंड का मतलब होता है किसी चीज़ पे फोकस करना या ध्यान देना. तो माइंड योर हेड, अपना ध्यान, अपने हेड का ध्यान रखना या फिर सिर बचाकर. और कई बार जैसे कई तारों के बीच से गुजरते हैं या फिर किसी कांटों के बीच से गुजरते हैं तो कहते हैं थोड़ा सा बच करके या फिर टांगे बचा करके, तो उसमें माइंड योर लेग भी कह सकते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. कृपया उसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ आओ. तो छोड़ना के लिए एक तो होता है ड्रॉप. ड्रॉप तो जैसे खुद के लिए यूज़ करते हैं कि मुझे बस स्टैंड पर छोड़ दो. ड्रॉप मी एट द बस स्टैंड. ठीक है, या फिर कोई भाई आया, कोई बहन है, उसको कहते हैं कि मैं बस स्टैंड पे आपको छोड़ दूंगा, तो उसके लिए हम ड्रॉप भी कह सकते हैं. मैं आपको आई विल ड्रॉप यू एट द बस स्टैंड. लेकिन एक होता है किसी रिश्तेदार को छोड़ के आना, या कोई भाई दूर जा रहा हो, कोई विदेश जा रहा हो, या कोई भी बाहर जा रहा हो, तो उसको हम सी ऑफ यूज़ करते हैं. सी ऑफ की सेंस होती है कि किसी को विदा करना. ठीक है, और छोड़ना हो सकता है कि थोड़ी देर बाद उसको आप पिकअप दोबारा कर लो या फिर नेक्स्ट डे पिकअप कर लो. ठीक है, लेकिन रिलेटिव्स हो या कोई बाहर जा रहा हो तो उसके लिए हम सी ऑफ का प्रयोग करेंगे. प्लीज़ सी ओ हिम ऑफ एट द रेलवे स्टेशन. ये डिपेंड करेगा कि आप लड़के के लिए यूज़ करना चाहते हैं या फिर लड़की के लिए यूज़ करना चाहते हैं. लड़के के लिए हम हिम यूज़ करेंगे और लड़की के लिए हम हर यूज़ करेंगे. सो बुरी आदतें छोड़ दो. बुरी आदतें छोड़ने के लिए गिव अप बैड हैबिट्स. गिव अप मीन्स होता है छोड़ना. अपने मेहमानों का ख्याल रखना. लुक आफ्टर योर गेस्ट. लुक आफ्टर योर गेस्ट. और इसको सिंपल में कहते हैं केयर योर गेस्ट, लेकिन लुक आफ्टर इज द बेस्ट सुटेबल वर्ड फॉर द गेस्ट और द पेरेंट्स. कई बार कहते हैं आपके पेरेंट्स बूढ़े हो गए हों तो आप कहते हैं मैं मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखता हूँ, तो आई लुक आफ्टर माई पेरेंट्स. ठीक है, लुक आफ्टर मीन्स होता है ध्यान रखना. सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट.
तो चलिए, मैं जिस सेंटेंस की बात कर रहा था वो सेंटेंस आपके आगे आ गया है, अपने काम पे ध्यान दो। तो अपने काम पे ध्यान देने को हम कहेंगे माइंड योर ऑन बिजनेस, माइंड योर ऑन बिजनेस। दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट। समटाइम्स यू गेट एंग्री ऑन समवन, समटाइम्स यू गेट एंग्री एंड समबडी कम्स अगेन, सो यू से दैट जस्ट गेट लॉस्ट, भाग जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, मुझे दिखाई नहीं देने चाहिए। सो इन दैट सेंस यू यूज़ गेट लॉस्ट। भाड़ में जाओ, गो टू हेल। ठीक है, जब आपको किसी से कोई लेना देना ना हो या फिर कोई मतलब ही ना हो तो उसे कह सकते हैं गो टू हेल, तुम भाड़ में जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, जहाँ मरना है मरो। सो इन दैट सेंस वी कैन यूज़ गो टू हेल। शर्म करो, शर्म करो को किसी भी सेंस में आप यूज़ कर सकते हो, जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो या किसी को किसी ने कुछ गिल्टी किसी ने कुछ भी गलत किया है तो आप उसको कहना चाहते हो तुम कुछ तो शर्म करो, ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए थी। सो इन दैट सेंस यू कैन यूज़ शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। अपने झगड़े सुलझा लो, सुलझाना को हम पैचअप बोलते हैं, पैचअप योर डिस्प्यूटेड। सो मुझ पर एक एहसान कर दो, ये तो आपने सुना ही होगा, सलमान खान का एक फेमस डायलॉग है, मुझ पर एक एहसान कर दो। ठीक है, सो डू अ फेवर ऑन मी, डू अ फेवर ऑन मी। और इस सेंटेंस को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने यदि पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो ये जो लेवल है आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो कपड़ों को पलट दो, कपड़ों को पलट दो का मीन्स है कि जैसे हम कई बार कपड़ों को धूप में सूखने के लिए डालते हैं और फिर उनको पलटते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, धूप में सुखाने के लिए क्या बोलते हैं, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। तो यहाँ पर है कपड़ों को पलट दो, पलटने के लिए कहेंगे चेंज ओवर द साइड ऑफ द क्लॉथ्स, चेंज ओवर द साइड ऑफ द क्लॉथ्स। कपड़े उतार लाओ, कपड़े उतार लाओ। अब कपड़े उतारना को हम कई सेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन मैं जो सेंस यूज़ कर रहा हूँ वो जैसे कई बार कपड़े सूखने के लिए डालते हैं किसी तार पे, वायर पे या कहीं पे भी, तो वहाँ से उतार के लाने हो तो ब्रिंग डाउन द क्लॉथ्स फ्रॉम द रोप, ब्रिंग डाउन द क्लॉथ्स फ्रॉम द रोप। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। सर्दी तो चली गई है, लेकिन सर्दी का सेंटेंस मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ कंबल ओढ़ लो। कंबल ओढ़ना को हम बोलेंगे स्वेडल द ब्लैंकेट, स्वेडल द ब्लैंकेट। मुट्ठी बंद करो, ये बांध करो थोड़ा सा मिस्टेक है इसके अंदर, इसको आप करेंट इसको आप सही कर लेना, करेक्ट कर लेना। तो मुट्ठी बंद करो को हम बोलेंगे क्लेंच योर फिस्ट, क्लेंच योर फिस्ट। ठीक है, मुट्ठी खोलो अनक्लेंच योर फिस्ट, क्लेंच अनक्लेंच, पता चली गया होगा। सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट। जब कई बार हम छोटे बच्चों के साथ होते हैं तो उनको कहते हैं ना पैसों को मुट्ठी में कस कर पकड़ो, तो कस कर पकड़ने के लिए हम यूज़ करेंगे होल्ड द मनी टाइटली इन योर फिस्ट, होल्ड द मनी टाइटली इन योर फिस्ट। कविता सुनाओ, कविता सुनाओ को बेसिकली देखा जाए तो कई बार हम बोलते हैं कि टेल द पोइम, टेल द राइम्स, लेकिन सही वर्ड की मैं बात करूँ तो रिसाइट द राइम इज़ द बेस्ट वर्ड फॉर द कविता सुनाओ। सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट। पहाड़े सुनाओ, पहाड़े सुनाना को हम बोलेंगे टेल द टेबल्स, टेल द टेबल्स। अपनी बेल्ट लगा लो, तो बेल्ट लगाना को हम बोलेंगे बकल अप योर बेल्ट, बकल अप योर बेल्ट। मक्खी को भगाओ, मक्खी को भगाओ, तो चेस द फ्लाई अवे, चेस द फ्लाई अवे। यह गधा मुझे दिखाओ, कोई भी चीज़ आप कहते हो कि ये मुझे दिखाओ, शो मी दैट थिंग वट एवर, मुझे ये हेलमेट मुझे दिखाओ, शो मी दिस हेलमेट, ये पेन मुझे दिखाओ, शो मी दिस पेन। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ गधा की, जो कि हनुमान जी रखते हैं, तो शो मी दिस मेस, मेस मीन्स होती गधा। दिखाओ कहाँ चोट लगी है, समटाइम्स एनी चिल्ड्रन और एनी 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 वन जस्ट गेट हर्ट और इंजर्ड समवेयर, सो वी जस्ट टेक केयर ऑफ हिम और हर एंड देन वी आस्क कि दिखाओ कहाँ चोट लगी है, शो मी वेयर यू गोट हर्ट, शो मी वेयर यू गोट हर्ट। सो लगन से काम करो, लगन से काम करने को हम बोलेंगे वर्क विद अर्नेस्टनेस, वर्क विद अर्नेस्टनेस। सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट। हाथ मुंह धोकर खाने के टेबल पे आ जाओ, ये आजकल आपको पता होगा सभी को कोरोना चल रहा है, तो इसी सेंटेंस से मुझे ये भी याद आ गया कि कोरोना एक बहुत ही डिजीज़, बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है, तो इसके लिए आपको बहुत प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। तो बहुत सावधानियां रखा करो, कोई भी 15 या 20 मिनट के बाद हाथ धोते रहा करो, और खाना खाने से पहले या कोई भी चीज़ खाने से पहले हाथ मुंह धोकर ही खाना या फिर कोई भी पीना है तो वो चीज़ें करें। सो अब लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंस। सो हाथ मुंह धोकर खाने के टेबल पे आ जाओ, तो हाथ मुंह धोने के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि जस्ट वॉश योर हैंड्स एंड माउथ, नहीं, इसके लिए एक अच्छा वर्ड है फ्रेशन अप, फ्रेशन अप का मतलब होता है ताज़ा होना, हाथ मुंह धोना, फ्रेशन अप एंड कम ऑन द टेबल।
फ्रेशन अप एंड कम ऑन द टेबल, जाकर अपनी नोटबुक लाओ, जाकर अपनी नोटबुक लाओ, गो गेट योर नोटबुक, गो गेट योर नोटबुक। देखो सेंटेंस लिखने में थोड़ा सा अलग होता है और बोलने में थोड़ी सी सेंस अलग होती है, तो जाकर अपनी नोटबुक लाओ, सो गो गेट योर नोटबुक नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे गो गेट योर नोटबुक। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेने की ज़रूरत है आपको। अपनी पेंसिल को सही से पकड़ो, अपनी पेंसिल को सही से पकड़ो, होल्ड योर पेंसिल इन ए राइट वे, होल्ड योर पेंसिल इन अ राइट वे। पेंसिल के छिलके कूड़ेदान में डालें, तो कूड़ेदान में डालें, डालने के लिए हम यूज़ करेंगे थ्रो, थ्रो द शार्पन पील्स इन द डस्टबिन, थ्रो द शार्पन पील्स इन द डस्टबिन। नेक्स्ट सेंटेंस, अपने नाखून काट लो। काटना के लिए हम बेसिकली जब इंग्लिश की स्टार्टिंग करते हैं तो वहाँ हम काटना के लिए आपने पढ़ा होगा कि कट होता है, लेकिन कट मीन्स होता है किसी भी चीज़ को कट इनटू टू पार्ट्स, दो चीज़ों में, दो भागों में या तीन भागों में ऐसे काटते हैं तो उसको हम पार्ट्स बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कट, ठीक है। लेकिन ये कट नहीं है, कट के लिए बहुत सारे वर्ड यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो अभी हम नाखून या फिर घास इस तरह की चीज़ें जो दोबारा उग आती हैं या फिर हेयर है, ठीक है, हेयर का तो आपको पता ही होगा कि एक शेविंग करने के लिए एक मशीन आती है तो उसे ट्रिमर बोलते हैं, उसको कटर नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो वो होती है ट्रिमर, ट्रिमर का मतलब जो चीज़ दोबारा उग आती है, जैसे दाढ़ी है, ग्रास है, नाखून है, तो इनके लिए हम ट्रिम यूज़ करते हैं, ट्रिम योर नेल्स, ट्रिम योर हेयर्स, ठीक है, ट्रिम योर बियर्ड्स, अपनी दाढ़ी छोटी कर लो, ठीक है। अपने हाथ धो लो, तो ये हाथ धो लो, यहाँ पे एक सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो गया है हिंदी और इंग्लिश में, तो धोने के लिए हम यूज़ करेंगे वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स। और अब अपने हाथ पोंछ लो, पोंछने के लिए हम यूज़ करते हैं वाइप योर हैंड्स। लेट्स हैव अ लुक एट द लास्ट सेंटेंस ऑफ द डे, अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लो। तो अपने पिता के पैर छूकर, यहाँ पे थोड़ी सी हिंदी में मिस्टेक है, छूकर आना चाहिए, अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लो। तो फुट विश योर फादर एंड टेक हिज ब्लैसिंग्स, फुट विश योर फादर एंड टेक हिज ब्लैसिंग्स। तो दोस्तों ये थे आज के लिए 40 सेंटेंसेस जो आपकी डेली लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आपको ये सेंटेंसेस कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, तब तक आप देखते रहें द रूरल फाइट एंड बी हैप्पी, स्टे एट होम, थैंक यू।